कबाड़ के सामान का आप क्या करते होंगे, या तो कोने में डाल देते होंगे या फिर फेंक देते होंगे। लेकिन बीकानेर का एक शख्स ऐसा है जो इससे घड़ियां बना रहा है। कबाड़ के सामान से वो अब तक 200 से ज्यादा घड़ियां बना चुका है। इस शख्स का नाम है राधेश्याम। राधेश्याम बीकानेर से 40 किलोमीटर दूर पारवा गांव में रहते हैं। राधेश्याम लकड़ी का काम करते हैं। वो पिछले 2 साल से वेस्ट चीजों से घड़ियां बना रहे हैं। राधेश्याम प्लाईवुड, सीसम, सागवान की लकड़ी से भी घड़ी बनाते हैं। घड़ी की मशीन बाजार से खरीदते हैं और उसकी सजावट के लिए बाजार से फूल ले आते हैं। एक बड़ी घड़ी एक दिन में बन जाती है तो छोटी घड़ी बनाने के लिए 2 से 3 घंटों का समय लगता है। वो इन घड़ियों को 50 से लेकर 250 रुपए तक बेचते हैं। कम से कम मैं 200 घड़ी बना चुका हूँ। ये प्लाईवुड है और सागवान की लकड़ी से बनती है, शीशम की लकड़ी से बनाते हैं, कार्डबोर्ड से बनाते हैं। मशीन तो बाजार से खरीद के लाते हैं और ये नंबरिंग जो है वो घर पे बनाते हैं। सारा सरमई का चिपकाते हैं ना, उसमें से वो कटिंग करके और कांच वास लगाते हैं। सजावट के लिए बाजार से फूल वगैरह ये सब। और ये कप वाला आइडिया कैसे आया, कप और लगाए आपने चारों तरफ? कप वाला ऐसे लगा के नई नई डिजाइन बनाता हूँ तो मालूम पड़ता है ये चीज थोड़ी अच्छी लगेगी, ये थोड़ी अच्छी लगेगी। अच्छा, मेरे को अच्छा लगता है वो। मैं एक घड़ी बनाने में कितना समय लगता है आपको? जैसे ये कप वाली घड़ी है ये एक दिन में। और नॉर्मल घड़ी बनाते हैं तो वो 2 घंटों। बीकानेर से निखिल स्वामी की रिपोर्ट।